अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। आज की जो हमारी ड्रग है इसका नाम है परमिथ्रिन। परमिथ्रिन की डिफरेंट डोजेज फॉर्म है, वैसे ये क्रीम्स और लोशन की फॉर्म में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड पर कमेंट सेक्शन में लाजमी कोई सवाल पूछिए। इसकी डोजेज फॉर्म की बात करें तो क्रीम, लिक्विड या लोशन की फॉर्म में आती है 5% या 1% में। और सबसे जरूरी चीज है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग जब आप इस्तेमाल करती हैं तो ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले तो परमिथ्रिन जो है उसके बीज की बीमारी में इस्तेमाल होती है। इसके बीज में एक छोटा सा कीड़ा होता है, हमारे बालों में जुएं होती हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह एक छोटा सा कीड़ा जो कि इसके बीज करता है उसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। फिर ये दरअसल आपकी ड्रग एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरोटॉक्सिन जो है उस कीड़े के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करती है और वो मर जाता है। सो ये क्या करती है, बेसिकली सोडियम आयन इनफ्लक्स जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो छोटा सा इंसेक्ट है या पैरासाइट है उस पैरासाइट का जो न्यूरो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस तरह से ये ड्रग अपना असर दिखाती है। यूजेस यानी कि इसके बीज, जैसे आपको बताया गया एक बीमारी है इसके बीज, इसमें अक्सर हम लोगों को खारिश होती है, जहां जहां जिस्म पे बाल होते हैं वहां वहां खारिश होती है, तो आप क्रीम की फॉर्म में इस ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं। हेड टू टो आप इसको रखते हैं और 8 से 14 घंटे तक आप रखते हैं, फिर आप पूरी जिस्म को रिंस करते हैं साफ पानी के साथ और तकरीबन 7 दिन तक ही अपने जिस्म पर अप्लाई करते हैं चेहरे को छोड़कर। इसके अलावा अगर आपको हेड लाइस या निट्स वगैरह हैं तो जुएं खत्म करने के लिए भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसको पहले बालों पे धो के फिर धुले हुए बालों तक आप लगाते हैं, 10 मिनट तक छोड़ते हैं और फिर बाल धो लेते हैं और 7 दिन तक ये आप अप्लाई करते हैं। सो मेजर ड्रग की यूज स्केबीज और हेड लाइस में है। इसके अलावा जब आप ये ड्रग अप्लाई करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि माइल्ड सी थोड़ी बर्निंग या स्टिंगिंग सी चुभना या थोड़ी थोड़ी इचिंग होगी, स्किन रेडनेस हो सकती है या स्वेलिंग भी हो सकती है, अगर आपको एलर्जी है इस ड्रग से रैश आ सकती है। इसके अलावा जब आप मेडिसिन अप्लाई करते हैं थोड़ी सी नंबनेस या टिंगलिंग सी आपको फील होती है और इस ड्रग के साथ स्केबीज थोड़ी सी वर्सन भी हो सकती है, यानी कि स्केबीज की वजह से भी आपको खारिश सी फील हो रही थी, ड्रग अप्लाई करने भी इस तरह की फील आती है, लेकिन वो तकरीबन 7 दिनों बाद खत्म हो जाती है, लिहाजा ये ड्रग बहुत ज्यादा मुफीद है, क्लिनिकली यूज ड्रग है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल इस ड्रग के हवाले से है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।